कांग्रेस ने डोईवाला में अपने प्रत्याशी मोहित उनियाल का उस समय टिकट काटा है जब मोहित अपने समर्थकों और पार्टी के नेताओं के साथ नामांकन करने जा रहे थे। अपनी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने कहा कि अपने नेता राहुल गांधी से मिलने जा रहा हूं दिल्ली, जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करूंगा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। एक छोटे कार्यकर्ता को एक राष्ट्रीय पार्टी ने, मेरे संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, तो क्षेत्र में खुशी की लहर थी। इस डोईवाला क्षेत्र से, एक छोटे से कॉलेज से मैंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर मुझे काम करने का मौका मिला, तो संगठन ने मुझे मौका दिया तो हम लोगों ने तैयारी भी करी। और क्योंकि आज हमारा नॉमिनेशन था, 11 बजे हमने नॉमिनेशन का समय लिया था, दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुका था। मगर अचानक से रात को 12 बजे पता चलता है कि ये टिकट अचानक से चेंज कर दिया गया। अब यहीं डोईवाला का ही नहीं, कुछ एक दो सीटों पे और भी टिकट चेंज हुए हैं जहां महिलाओं का भी टिकट चेंज किया गया, तो सब कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचा है कि सबको लगता है कि ये अचानक से क्यों हुआ। क्योंकि हम जितने भी साथी थे, प्रत्याशी थे, सबका ये मानना था पहले भी, हम में से जिसको भी टिकट मिल जाए हम सब उसके साथ रहेंगे। तो अगर संगठन को ऐसा लगता था तो पहले ही संगठन जिसको अभी टिकट दिया है उनको ही टिकट दे सकते थे। तो अभी टिकट जो चेंज किया गया है, बदला गया है, तो हम सब कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, सब हमारे पदाधिकारियों से बात हुई, तो सबका, सब ये चाहते हैं, जवाब चाहते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिरकार क्या बड़ा जो इसमें बदलाव किया गया। क्योंकि जब हमें टिकट मिला डोईवाला क्षेत्र में एक लहर थी, 21 साल बाद किसी क्षेत्रीय प्रत्याशी को राष्ट्रीय संगठन ने उतारा था, और जब हम गाँव गए तो हमारा स्वागत हुआ। रानी पोखरी में हम लोगों ने बैठक करी, दूधली क्षेत्र में हमने बैठक करी, डोईवाला क्षेत्र में जगह जगह हमारा स्वागत हुआ, भान्नेवाला में स्वागत हुआ, बालावाला क्षेत्र में स्वागत हुआ। और हम लोग, मेरे पास इस दो दिन में कई सौ कॉल आई, कई लोग, बहुत मतलब खुशी की लहर थी। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही वोटर, जो दूसरे संगठन के लोग हैं उन्होंने आके हमें बधाई दी, और उनका मानना था कि एक युवा को, एक 37 साल के युवा को मौका मिला है। तो जब अचानक से टिकट बदल गया तो हमें लगता है कि हमें एक बार इसका जवाब तो पूछना चाहिए संगठन से। और हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग दिल्ली जाएंगे और हमारे राष्ट्रीय नेता, हम सबके आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे। और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा।